हमारे देश में भगवान शिव के अनेकों मंदिर हैं, जहां पर उनकी पूजा बड़ी ही श्रद्धा के साथ की जाती है। परंतु वहीं हमारे देश के राजस्थान राज्य में कमलनाथ महादेव नाम का एक ऐसा मंदिर भी है, जहां पर भगवान शिव की पूजा से पहले लंकापति रावण की पूजा की जाती है। हैरान हुए ना आप भी? इस वीडियो में हम आपको इस कथा और मंदिर के बारे में संपूर्ण तरीके से बताएंगे, तो इसे अंत तक जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और बोलें हर हर महादेव। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। राजस्थान के उदयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है कमलनाथ महादेव का मंदिर, और यहीं पर रावण की पूजा महादेव से पहले होती है। एक मान्यता के अनुसार यहीं पर लंका के राजा रावण ने अपना शीश भगवान शिव को अर्पित करते हुए अग्निकुंड में डाल दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कमलनाथ महादेव का यह मंदिर राजस्थान के उदयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर अवारगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना स्वयं लंकापति रावण ने की थी। ऐसी भी मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां पर रावण ने अपना सिर काटकर भगवान शिव को समर्पित करते हुए अग्निकुंड में डाल दिया था। तब रावण के इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने लंकापति रावण के नाभि में अमृत कुंड बना दिया था। इस मंदिर के बारे में यह भी मान्यता है कि अगर रावण की पूजा किए बिना भगवान शिव की पूजा की जाती है तो उस पूजा का फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार लंकापति रावण ने हिमालय जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। रावण की इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण से वरदान मांगने को कहा, जिस पर रावण ने वरदान में शिवजी को ही मांग लिया। इस पर शिवजी ने रावण को एक शिवलिंग प्रदान करते हुए कहा कि वह इसे लंका ले जाए, परंतु साथ ही यह भी शर्त रखी कि शिवलिंग को लंका ले जाने से पहले कहीं भी रास्ते में नहीं रखना, क्योंकि जहां भी इसको रखा जाएगा वहीं पर यह शिवलिंग स्थापित हो जाएगा। रावण भगवान शिव की शर्त को मानते हुए शिवलिंग के साथ लंका की ओर चल दिया। लेकिन भगवान गणेश की लीला के कारण से रावण ने एक स्थान पर शिवलिंग को रख दिया, तब से यह शिवलिंग यहीं पर स्थापित हो गया। ऐसा होने पर भी रावण की भक्ति भगवान शिव के प्रति तनिक भी कम नहीं हुई। हर दिन वह लंका से इस शिवलिंग की पूजा करने आता था और साथ में कमल के 100 पुष्प भी चढ़ाता था। इसी क्रम में जब रावण की पूजा सफल होने के करीब थी तो ब्रह्मा जी ने एक दिन कमल के पुष्प में से एक पुष्प गायब कर दिया। इस पर रावण ने एक कमल के पुष्प के स्थान पर अपना सिर ही भगवान शिव को अर्पित कर दिया। रावण की इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण की नाभि में अमृत कुंड बना दिया और इस स्थान को कमलनाथ महादेव नाम दे दिया। तब से इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा से पहले रावण की पूजा की जाने लगी। भगवान शिव अत्यंत भोले हैं और वो अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते, चाहे कोई भी हो, जीव जंतु, असुर, देव या मनुष्य। वो सबकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं। शिव ही आदि हैं, शिव ही अंत हैं, शिव सब कुछ हैं, सब में शिव है और शिव किसी में नहीं, यही शिव है। तो बोलो ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।